नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हम पवन खरखोदा के साथ में एक बातचीत उनसे दोबारा कर लेते हैं, फिर से रूबरू करा देते हैं कि अब की बार खरखोदा विधानसभा से हलके की तैयारी कैसी है। जनता बनाम जयवीर वाल्मीकि कहा जा रहा है उनकी जबान से कि अब की बार जनता खुद चुनाव लड़ती है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे जनता चुनाव लड़ेगी, पवन खरखोदा क्या गुल खिला पाएंगे। पवन भाई, चुनाव लड़ रहे हैं आप और आपने कहा है कि जनता वर्सेज जयवीर वाल्मीकि, कैसे संभव है? देखिए, हमारे परिवार ने जो पीढ़ियों की जो सेवा की है, अब लोग खुल के बोलने लगे कि उस सेवा का फल देने का समय अब आ गया है। और हमारे खरखोदा हल्के का एक इतिहास रहा है कि जो भी लोगों ने सेवा की है उसका सुधा ब्याज लोगों ने चुकाने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि लोगों की एक भावना बनी हुई है, एक भाव है कि भाई अब की बार अपने बेटे पवन खरखोदा को यहाँ से जिताना है। और ये चुनाव पार्टी का चुनाव न बनके ये सीधा आमने सामने का चुनाव बन गया है कि एक तरफ जयवीर है, दूसरी तरफ हमारे खरखोदा हल्के के लोग हैं, आपका भाई, आपका बेटा पवन खरखोदा है। हल्के की जनता जो है काफ़ी त्रस्त है, जो दुविधाएं यहाँ दिखाई देती हैं वो लगातार 15 से 18 साल के बीच की हैं, उनको अभी तक समाप्त नहीं किया गया। तो अगर आप विधायक के तौर पर जनता के सामने आते हैं तो कौन से काम को पहले करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पानी की निकासी का खरखोदा में शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं जिस भी गांव में जाता हूँ सबसे ज़्यादा मुद्दा पानी के, पीने के पानी का है। और हमारे को तो पानी वालों के नाम से जाना जाता है कि 50 साल पहले हमने पानी के टैंकरों की सेवा शुरू की थी जो आज भी निरंतर जारी है। अगर खरखोदा हल्के के लोगों ने मौका दिया तो पहले इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर इनका समाधान किया जाएगा, बाकी चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार में बस अड्डा बना और सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग बनाई गई, तो अक्सर जब हम कांग्रेस के पदाधिकारियों से सवाल करते हैं तो ये दो ही चीज़ें खरखोदा में सामने आती हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे, क्या इनमें सुचारू व्यवस्था है? देखिए, आप हॉस्पिटल की जहाँ तक बात की तो जो भी सरकार होती है उसका दायित्व होता है शिक्षा में सुधार करना, चिकित्सा में सुधार करना, आपका कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। और मैं ये मानता हूँ कि वो प्रोजेक्ट पहले से ही पाइपलाइन में थे, इन्होंने केवल उसको अमलीजामा पहनाने का काम किया है। अगर सही मायने में किसी ने काम किया है तो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया है। आप चाहे खरखोदा में मारुति की बात कर लें, चाहे आपके 5 किलोमीटर के एरिए में नेशनल हाईवेज की, KMP की, KGP की और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगले आने वाले 5 साल में खरखोदा गुड़गांव को भी पीछे छोड़ने का काम करेगा। आपकी सरकार ने IMT यहाँ खरखोदा में स्थापित कर दी, लेकिन उससे ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, तो गरीब आदमी कैसे ज़मीन खरीद पाएगा, कैसे रैन बसेरा अपना बना पाएगा, थोड़ा सा उसका भी सरकार को लिहाज रखना चाहिए, इसके विषय में क्या कहें? देखिए, सरकार ये सरकार अंतिम व्यक्ति तक काम करने वाली सरकार है कि अंतिम व्यक्ति में जो पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं। और सरकार ने हर संभव वो पॉलिसी बनाई है कि 36 बिरादरी के लोगों का उससे भला हो सके, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे और किसी पॉलिसी की बात है। और SC BC के लिए भी सरकार एक ऐसी पॉलिसी बना रही है कि वो भी अपना कम बजट में, कम रेट में अपना कोई उद्योग स्थापित कर सकें, अपनी ज़मीन खरीद सकें। तो काफ़ी अनेकों ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं जिनसे हर वर्ग का भला होगा और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। हरियाणा के कार्यकारी मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी, जगह जगह विजिट करके, दौरे करके नाराज़ कार्यकर्ताओं को मना रही हैं, तो क्या लगता है नाराज़ कार्यकर्ता क्या मान पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी भाव से, आत्मा से जुड़े हुए हैं। छोटी मोटी नाराज़गी होती है, बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप विपक्ष के लोगों को देखो, उनकी नाराज़गी पूरे 5 साल चलती रहती है, तो जनता के मुद्दों को ना वो मुद्दों को उठाते हैं, ना जनता के बीच में रहते हैं, केवल ACO में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर धरातल पे किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय पार्टी के समर्पित पदाधिकारियों ने, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भाव से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, 36 बिरादरी के लोगों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए और मेरे खरखोदा हल्के में अहम योगदान देने के लिए लोगों ने प्रयत्न और प्रयास किए हैं। आपने पवन खरखोदा को सुना, देखा और जाना। हम लगातार राजनीतिक विश्लेषण में आपके साथ हैं, आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।